नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। स्नेहं वैरं संगं परिग्रहं चापहाय शुद्धमनाः स्वजनं परिजनमपि च क्षान्त्वा क्षमयेत् प्रियैर्वचनैः आलोच्य सर्वमेनः कृतकारितमनुमतं च निर्व्याजम् आरोपयेन्महाव्रत मा मरणस्थायि निःशेषम्। अंतिम संलेखना की प्रक्रिया का विवरण है तो सर्वप्रथम आचार्य कहते हैं कि जिसका प्रतिकार न हो सके ऐसे उपसर्ग के आने पर वृद्धावस्था के आने पर अथवा रोग हो जाने पर और च शब्द से अन्य भी किसी विशिष्ट परिस्थिति में दुर्भिक्ष को और मिला लो, अकाल दुष्काल जब पड़ता है उस स्थिति में, ड्रॉट फैमिन की स्थिति में, धर्म के लिए रत्नत्रय के लिए देह का विमोचन अर्थात शरीर का विसर्जन कर देना, उसको गणधर आदि आर्यजन गुणीजन सल्लेखनाम आहु सल्लेखना बतलाते हैं। और यह जो सल्लेखना की अंतिम क्रिया है इसको केवली भगवान ने तपस्या का फल कहा है। तो क्षपक होकर सल्लेखना तभी संभव है जब आपने जीवन में तपस्या की हो, तपस्या का फल बतलाया, या फिर किसी पूर्व भाव में तपस्या की हो तो भी ऐसा हो सकता है। तस्मात इसलिए आचार्य कहते हैं यावत विभव, जब तक तुम्हारे अंदर क्षमता है तब तक समाधि मरणे प्रयति तव्यम, समाधि मरण के विषय में प्रयत्न कर लेना। अब उसकी प्रक्रिया बता रहे हैं, तत्र यत्नम कुर्वाणा, अब संलेखना के विषय में प्रयत्न करने वाला एवं कृत्वा इदम कुर्यादित्या, ऐसा करके यह करे ये बताते हैं। तो कैसा करके बोलते हैं कि स्नेहम वैरम संगम परिग्रहम च अपहाय, ये चार चीजें छोड़ के आ जाओ गुरु के पास। कौन सी चार चीजें? तो बोलते हैं कि सबसे पहले जिन जिन से स्नेह है तुम्हारा उसको, और जिन जिन से बैर है उसको, और फिर जो अपने कुटुंबी जन है संग, जो अपने मित्र और परिवार जन है उनको, और परिग्रह को, 10 प्रकार के परिग्रह को अपहाय त्याग करके। और त्याग कैसे करना है? शुद्ध मना, शुद्ध मन होकर के। ऐसा नहीं कि अब तो मौत आ गई छोड़ना ही पड़ेगा क्या करें तो ये ऐसी मजबूरी वाली बात नहीं है, प्रीति पूर्वक कार्य करना है, रुचि के साथ करना है। तो इसका त्याग कर दे, और इसका त्याग करके स्वजनम परिजनम अपिच शांतवा, शुद्ध मन के साथ अपने लोगों को और परिजन यानी और परिचित लोगों को,
दोनों को भी शांत हुआ, क्षमा कर दे, अंदर से क्षमा कर दे सबको। ठीक है, कुछ लोगों ने बहुत सताया होगा जीवन में, पर अब संलेखना के लिए जा रहे हैं। और वैसे भी संलेखना के लिए नहीं भी जाते तो भी परलोक तो जाना ही पड़ता था, यहां से प्रस्थान तो निश्चित करते, आयु तो पूरी होती कभी ना कभी। तो अब संलेखना के लिए निकल रहे हो तो अपने लोगों को और फिर अपने परिचित लोगों को क्षमा करके, प्रियैर वचनैः क्षमयेत्, मधुर वचनों से, टॉन्ट मारने जैसी क्षमा नहीं करना, बहुत सताया तुमने अब ठीक है मैं जा रहा हूं क्षमा करके। और ऐसे इस प्रकार के व्यंगात्मक वचन न बोल करके प्रियैर वचनैः, मधुर वचनों से क्षमा करके, क्षमयेत्, और उनसे क्षमा करा के। अब किसको क्षमा करके, खुद ही निकल रहे हो तो फिर अपने को ही क्षमा करा करके फिर गुरु के पास आ जाना। पहले स्नेह को, बैर को तोड़ दिया, फिर अपने परिवार को छोड़ दिया, परिग्रह को छोड़ दिया। अब परिवार को छोड़ा लेकिन मान लो बैंक बैलेंस बना करके ले रहे हो वहां जाकर गुरु के पास, तो बैंक बैलेंस वगैरह नहीं चलेगा, वो परिग्रह भी छोड़ दो, घर भी अपने नाम से है, कई बातें हैं, सब एकदम वहां से पूरा कट ऑफ होकर के आना है। अब ये मत सोचना कि अब अगर वहां मान लो लौटना पड़ जाए तो संलेखना करते करते हमारा स्वास्थ्य सुधर जाए तो वो फिर भाग के भरोसे छोड़ दो, पर अभी तो संकल्प ऐसे ही रखो कि बस सब का त्याग है। और अच्छे से पहले देख लो कि क्या स्थिति है। मुनिराज भी देवों से पूछ लेते हैं कि हमारी आयु कितनी बाकी है, ऐसा उल्लेख आया आराधना ग्रंथों में कि साधु देवों का आह्वान करके उनसे पूछते हैं कि हमारी आयु कितनी शेष रह गई है, और उसके बाद फिर पूरी प्रक्रिया करते हैं। और सर्वमेन आलोच्य कृतकार्यतम अनुमतम च। अब जीवन भर जो भी आपने पाप किया है या कराया है या फिर अंदर ही अंदर उसका समर्थन दिया है, उसको सर्वम एन, सभी पाप का निर्व्याजम बिना किसी कपट के गुरु के सामने आलोच्य, निर्यापक आचार्य जिसको आप बना रहे हो उनके सामने आलोचना करना, पूरे बता देना कि भाई मैंने ऐसे ऐसे कषाय से इतने सारे पाप किए और कुछ प्रमाद से किए हैं। दो ही कारणों से पाप होते हैं, या तो कषाय से पाप होंगे या फिर असावधानी से पाप होंगे। तो मेरे से ऐसे ऐसे पाप हुए हैं, मेरी जानकारी में इतने हैं, और फिर आप उससे भी अधिक प्रायश्चित दे सकते हो क्योंकि जो मेरी जानकारी में नहीं है उसका भी मुझे शुद्धिकरण करना है। सर्वमेन सभी पापों की आलोचना कर लेना, और फिर आमरण स्थायी मरण पर्यंत स्थिर रहने वाला निःशेषम, पांच प्रकार का यानी सर्व प्रकार का निःशेषम महाव्रतम आरोपयेत, यानी पांच महाव्रतों का आरोपण करवा लेना। निर्यापक आचार्य के पास जाकर गुरु से पंच महाव्रतों को अंगीकार कर लेना, उनसे महाव्रत ले लेना, सीधी सीधी बात। अब महाव्रत ले लिया, पर क्या है कि जो अभ्यास है गृहस्थ धर्म का, जो अभ्यास है, अभी तक तो अणुव्रतों में चल रहा था काम, अब महाव्रत ले लिया तो फिर बहुत कुछ छूट गया। तो कभी कभी क्या होता है कि जब कुछ अपन अचानक से कुछ छोड़ते हैं ना तो एकदम खाली खाली से लगता है, और बार बार अभ्यास करके छोड़ो तो वैसा नहीं लगता, अभ्यास हो जाता। अब जो लोग हमेशा अष्टमी चतुर्दशी को करते हैं उनको अगर 11 के दिन उपवास करना पड़े तो ज्यादा टेंशन वाली हिसाब नहीं होता, हो जाता है। लेकिन जो
साल में एक आध बार या फिर कई सालों में एक बार उपवास करते हैं, तो उनके लिए बहुत महीने भर से तैयार रहना पड़ता है कि भाई अब उपवास है उस दिन अब ना, तो पूरी तैयारी करनी होती है। यहाँ आचार्य कहते हैं कि ये सब त्याग कर दिया, संलेखना की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी, दीक्षा ले ली, महाव्रत धारण कर लिया, अब यदि महाव्रत की क्षमता न हो तो फिर दूसरा मार्ग होता है। तो वो सब करके अब संलेखना प्रारंभ कर दी, तो संलेखना प्रारंभ करने के बाद कभी कभी एकदम ऐसा शोक जैसा होता है। अब जो इष्ट का वियोग हो गया है, कुटुंब परिवार सब छूट गया, तो फिर एकदम ऐसे अंदर से अंदर एक वेदना सी होती है कि अरे वो सब जन्म भर साथ देने वाले लोग, बड़े अच्छे लोग थे, अब तो छूट गए। तो ये शोक को फिर भय कि अब तो सब छूट गया, मेरा कोई नहीं है, क्या पता आगे क्या होगा, ये भय जो होता है, इस भय को। और अवसाद का अर्थ होता है डिप्रेशन, यानी जब कोई रिटायरमेंट होने के बाद में जो स्थिति रहती है ना वर्किंग पर्सनालिटीज की, जो बहुत समय तक काम में लगे रहते हैं, व्यस्त रहते हैं एकदम। कितने उम्र है अभी रिटायरमेंट की? 60 है ना, पहले 58 थी, 58 थी, 2 साल ज्यादा, आदत पड़ जाने से 2 साल और खींच लेते हैं। तो वो कहते हैं कि उसके बाद एकदम खाली खाली हो जाता है, कोई वर्क नहीं, कुछ नहीं, तो उस समय अवसाद की स्थिति आती है, डिप्रेशन जैसी स्थिति होती है, एकदम गुमसुम बैठे रहते हैं, एकदम ऐसा लगता है कि पूरा संसार उजड़ गया मेरा, एकदम खाली खाली हो गया, सूना सूना बना गया, इसको डिप्रेशन कहते हैं। कभी कभी बैठे बैठने की मुद्रा भी ऐसी रहती है, तो उस टाइप से बैठे रहते हैं, कभी ऐसे किसी चीज को देखते रहते हैं, ऐसे कोई बुलाता है तो फिर तत्काल रिस्पांस नहीं देते, फिर अच्छा हाँ क्या बोल रहे हो, ऐसा एकदम थोड़ी देर बाद ध्यान जाता है उस तरफ। तो आचार्य कहते हैं कि अब सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ गए संलेखना करने, और संलेखना में तुम्हें शोक हो रहा है कि इतने सब हमारे साथ ही छूट गए, भय भी लग रहा है कि आगे क्या होगा, अवसाद यानी ऐसी डिप्रेशन में चले गए, फिर क्लेद यानी एक ऐसी भावुकता जैसी स्थिति आती है, एकदम भीगा भीगापन आता है अंदर से, कोई आकर के मिलता है, पूछता है कि अब आप संलेखना ले रहे हो, कुछ बताइए, तो फिर वो एकदम उनका गला भर आता है कि संसार में कोई सार नहीं। तो ये जो क्लेद का भाव है, ये जो गीलापन है, कुछ नहीं, अरे सार नहीं है तो रोने की क्या बात है, सार नहीं है तो नहीं है, अपने आत्मा में तो सार है एकदम। ये वैराग्य जो है नेगेटिविटी नहीं है, बहुत हायर पॉजिटिविटी वाली बात है यहाँ। और कलुष्यम, कलुषता, कलुषता का मतलब क्या होता है? एक धुंधलापन, एक अंदर से एक चिड़चिड़ापन भी हो सकता है, एक कषाय का भाव रहता है, क्रोध मान माया लोभ में चिड़चिड़ापन जैसा रहता है, वो कालुष्य। और अरतिम अपि, अरति यानी कहीं मन नहीं लग रहा है एकदम, कभी अंदर बैठ जाते हैं कमरे में जाकर के, फिर वहां मन नहीं लगता है, बाहर बैठ जाते हैं, फिर कभी मंदिर में बैठ जाते हैं, फिर कभी और कहीं चले जाते हैं। तो ये इनको हित्वा आचार्य सम्बद्ध स्वामी कह रहे हैं कि इन सभी को बिल्कुल नष्ट कर डालो, और नष्ट कर सकते हो तुम, अगर तुम एक बार ठान लो कि भाई अब इतना सब त्याग कर दिया तो इनको और निपटा देते हैं, और क्या, जब उतना सब तो त्याग कर ही दिया था,
क्षमा कर दिया था सब, क्या क्या करके आ गए, और उसके बाद अब ये बचा खुचा है, इसको क्यों अपन सिर के ऊपर रखें। तो उसको भी नष्ट करके फिर सत्वोत्साह मुदीर्यच, फिर अपनी शक्ति को और अपने उत्साह को प्रकट करके, अब क्या है कि अब चुन लिया एक रास्ता, इस पार या उस पार, एक बिल्कुल पक्का फैसला कर लिया। और उसके बाद मन प्रसाद्यम श्रुतेर अमृते, स्वाध्याय के अमृत से अपने मन को निर्मल बना के रखना है। जो सब क्या छोड़ा क्या गया, वो सब कितने जन्म चले गए, कितने लोग छूट गए, कितने घर नष्ट हो गए, कितने शरीर छूट गए, क्या क्या नहीं हुआ अनादिकाल से। अब तो आत्म कल्याण के लिए निकले हो, समय आ चुका है, तो अब भी क्या पकड़ के रखोगे किसी को, कुछ नहीं जाने वाला है साथ में। सब छोड़ करके मन प्रसाद, मन को एकदम विशुद्ध रखना है। श्रुतैर अमृतैः, कैसे रखना है, आगम के अमृत द्वारा, चारों अनियोगों के अमृत से मन को एकदम निर्मल रखना है। ये हो गया कषाय संलेखना का। तो अब काय संलेखना की बात करते हैं। शरीर को भी तो वो करना है ना, क्या है कि जिस शरीर को राग से पुष्ट किया, उस शरीर को विराग से क्षीण करना है। और विराग से क्षीण इस उद्देश्य से नहीं करना है कि ये प्रक्रिया मरने के लिए जरूरी है। अरे मरने के लिए दुबले होकर मरने की कोई जरूरत नहीं है, मोटे मोटे भी मर जाते हैं। ये धारणा ही गलत है कि संलेखना में जो आहार आदि का त्याग किया जाता है वो मरने के लिए किया जाता है। अब ये धारणा चाहे किसी की भी क्यों ना हो, ये धारणा विरुद्ध धारणा है। त्याग जो किया जाता है वो मरने के लिए नहीं किया जाता है। जिस राग से इसका पोषण किया है, उस राग को छोड़ने के लिए इसका शोषण भी आवश्यक है। और शोषण जो है बिना द्वेष के, द्वेष के करोगे तो हिंसा हो जाएगी। द्वेष रहित होकर इसको सुखाना है, क्योंकि अब क्या है कि अब पोषण का समय गुजर चुका है। अब इसको बार बार भोजन देने से कुछ होने वाला नहीं है। अब छूटने की स्थिति आ गई, तो फिर उतनी देर भी आप भोजन के प्रति राग करोगे, भोजन लेते समय कुछ ना कुछ तो राग होगा ना, ऐसे थोड़ी बिना राग के ऐसे हाथ आता है क्या मुंह में, कुछ इतना एक न्यूनतम इतनी इच्छा तो होती है ना। तो उतनी इच्छा करके नया कर्म क्यों बांधा जाए, जब काम नहीं कर रहा है भोजन तो उसको क्रम से छोड़ रहे हैं, एक साथ नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि एक साथ छोड़ने से एकदम सबके लिए सुलभ नहीं होता वो। अब आचार्य भद्रभाव स्वामी ने एक साथ त्याग कर दिया था चारों प्रकार के आहार का, वो उठे ही नहीं कभी आहार के लिए संलेखना में, उनकी बात निराली थी। वो श्रुत केवली थे और महान तपस्वी थे, और जिनकी अर्चना देवलोक करते थे ऐसे इन्हें गिने मुनियों में से एक थे, तो वो असाधारण साधु थे, उनकी बात नहीं है। लेकिन जिनकी क्षमता नहीं है वो क्रमशः परिहाप्य, आचार्य कह रहे हैं कि क्रम से छोड़े आहार, माने जो ऐसे चबाने वाली जो वस्तुएं हैं उनको क्रम से कम कर दें, और जो तरल वस्तु है उसकी वृद्धि कर ले। और उसके बाद क्या करना है कि स्निग्धम विवर्धयेत, स्निग्धम पानम विवर्धयेत, ठोस भोजन छोड़ करके जो स्निग्ध पान है, स्निग्ध पान का अर्थ होता है जिसमें चिकनाई होती है, जिसमें फैट वसा का अंश होता है, जिसे मक्खन नहीं निकाली हुई छाछ, मक्खन वाली छाछ जो उसके अंदर मिश्रित मक्खन है, वो अलग से नया ताजा मक्खन तो लेने योग्य नहीं है, पहले ही मना कर दिया, मूलाचार ग्रंथ में भी मना किया, पुरुषार्थ सिद्धि में भी मना किया। वैसे भी व्रती लोग
यहाँ पर समंतभद्र स्वामी ने भी कह दिया, नवनीत निम्ब कुसुमम, इनको भी छोड़ने के लिए बोल दिया था। नवनीत का त्याग करना, नवनीत का अर्थ होता है नया निकाला हुआ मक्खन, जो नया निकाला हुआ उसका त्याग करना। और स्निग्धम पानम विवर्धित, चिकनाई वाला जो पेय पदार्थ है, पान का अर्थ पेय पदार्थ, पान का अर्थ पान ठेला वाला पान मत ले लेना, संस्कृत में पान शब्द, तो उसकी वृद्धि करना है। और उसके बाद कहते हैं स्निग्धम च हापयित्वा खर पानम पूरेत क्रमशः, फिर क्रम से क्या करना है, स्निग्ध को कर घटा करके खर पान, खर पान का अर्थ होता है जिसमें चिकनाई नहीं है, ऐसे पेय पदार्थ, सब्जियों का रस भी हो सकता है बिना घी का, बिना तेल का, और खरपान में मक्खन निकाली हुई छाछ भी हो सकती है, उससे पूर्ति करे, पूरे यानी पेट उससे भर ले। फिर शुद्ध पानी रूपम, खरपान में लास्ट जो स्थिति होती है केवल पानी रह जाता है, तो वहां तक के क्रम से जाना है, दो बार क्रमशः कह रहे हैं आचार्य महाराज, क्रम का उल्लंघन नहीं करना है, पहले चबाने वाली चीजें छोड़ना है, फिर चिकनाई वाली चीजें बढ़ाते जाते हैं, साथ में बढ़ाते जाना है, ये छोड़ते जाना है क्रम से, ये बढ़ाते जाना है, क्रमशः विवर्धय क्रमशः परिहाप्य, दोनों के साथ क्रमशः लिखा, यहां भी क्रमशः स्निग्धम हापयित्वा खरपानम पूरयेत, स्निग्ध को घटा करके और खरपान को बढ़ाना है, तो इस तरह क्रम दोनों के साथ लगाना है। और फिर खरपान हापनामपि कृत्वा कृत्वोपवासमपि शक्त्या पंच नमस्कार मनास तनुं त्यजेत सर्वयत्नेन। फिर खरपान हापनामपि कृत्वा शक्त्या उपवासम अपि, फिर जो मात्र पानी ले रहे थे या फिर मात्र छाछ ले रहे थे उसको भी घटाते जाना है और उपवास करते जाना है, उपवास को बढ़ाते जाना है शक्ति के अनुसार, शक्ति देख करके ही करना है, खींचातानी नहीं करना है। और उसके बाद अंत में जब शक्तिपूर्वक उपवास कर रहे हैं तब खरपान हापनाम अपि कृत्वा शक्त्या उपवासम अपि कृत्वा, दो बार कृत्वा शब्द, वो क्या है कि त्याग और ग्रहण दोनों के साथ आचार्य महाराज क्रियापद को जोड़ते हैं, यहां पर जो है कृदंत पद को जोड़ा है कृत्वा, तिंगंत पद जो था वो अभी आगे बताएंगे त्यजित, ये तिंगंत पद है। फिर पंच नमस्कार मना, अंत में छोड़ने की बात छोड़कर पंच नमस्कार में मन को लगा देना, यानी मन में पंच नमस्कार को ग्रहण कर लेना, नमो अरिहंतान, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लुवे सब साहूण, उसमें मन लगा करके सर्व यत्नेन पूर्ण सावधानी के साथ तनुम त्यजेत, शरीर को छोड़ देना है। और मन इसलिए कह रहे हैं कि कई बार वचन काम नहीं करते अंत अंत में, तुम गला सूख जाता है, कमजोरी भी बढ़ जाती है, तो बोलते नहीं बनता, कई बार तो अंतरायों में भी ऐसी स्थिति होती है कि अधिक बोलने में फिर श्रम हो जाता है। तो ऐसे ही संलेखना का क्रम, इतना सुंदर क्रम बताया है भगवती आराधना ग्रंथ में, 12 वर्षों तक का क्रम भी दिया हुआ है कि 12 वर्षों में कैसे कैसे करना है आपको, तो उसके कई खंड बनाए उन्होंने, 12 वर्ष के कुछ खंड बनाए, तो प्रथम खंड में, द्वितीय खंड में, तृतीय काल खंड में, अलग अलग काल खंडों में आपको क्या क्या करना है वो उन्होंने क्रम से बताया है। यहां पर आचार्य समंतभद्र स्वामी ने 12 वर्ष का उल्लेख न करते हुए दो कारिकाओं के माध्यम से
काय संलेखना और तीन कारिकाओं के माध्यम से कषाय संलेखना का क्रम बतलाया है, बल्कि दो ही कारिकाएं, वो कषाय संलेखना के लिए महाव्रती हो जाओ, सब पापों की आलोचना कर लो। पापों की आलोचना करते समय हो सकता है तुम्हारा बहुत सम्मान रहा हो, गुरु की नजरों में तुम बहुत पवित्र रहे हो, लेकिन फिर भी उनको बताना है कि ठीक है आप जो भी समझ रहे हो वो आपका निर्णय है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि मैंने ऐसी ऐसी गलतियां की है जीवन में। अपनी सारी गलतियां साफ शुद्ध मन के साथ उनको बता देना, फिर वो प्रायश्चित देंगे। कितना भी प्रायश्चित दे, वो प्रायश्चित तो प्रायश्चित ही होता है, काल के ऊपर निर्भर करता है। हो सकता है कोई प्रायश्चित एक महीने चले, और हो सकता है एक महीना का समय ना हो तो फिर अल्पकाल में प्रायश्चित करवा देते हैं। कभी कभी तो एकदम समय नहीं होता तो फिर बोलते हैं कि एक नमोकार तुम अपने प्रायश्चित के लिए पढ़ लो, पूरी श्रद्धा के साथ पढ़ना, और एकदम जिनेन्द्र भगवान का, परमेष्ठियों का स्मरण करके उन कर्मों की निर्जरा कर देना, और फिर बाद में दो बार और पढ़ लेना नमोकार मंत्र, आयु पूरी हो जाती है। बहुत अल्पकाल में भी आयु पूर्ण होती है कभी कभी। ये सारी बातें हैं। तो संलेखना का ये विवरण हुआ। इसके बाद इसमें भी कभी कुछ अतिचार आ जाते हैं, तो आचार्य जिनेन्द्र कथित अतिचारों का वर्णन करते हुए कहते हैं, जीवित मरणा संशय भयमित्र स्मृति निदान नामान संलेखनातिचाराः पंच जिनेन्द्रैः समादिष्टाः। जीवित रहने की आशंसा यानी जीने की अभिलाषा रहती है। आज कौन सी तिथि हो गई, पूछते हैं कभी क्षपक लोग संलेखना के समय, तो बताते हैं उनके जो सेवा करने वाले परिचारक साधु और व्रती लोग हैं, वो बताते हैं कि अभी तो दशमी हुई है, कार्तिक कृष्णा दशमी। तो फिर स्थिति ऐसी है कि अभी जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, पर उनके अंदर इच्छा हो जाती है कि काश ये दिवाली और देख लेता। पास में ही तो आ गई, आज दसवीं हो गई है, दिवाली तक और खिंच जाते तो अच्छा रहता। और फिर कभी मरणाशंसा भी होती है, वेदना अधिक होने पर ऐसा हो जाता है कि संलेखना करते करते बहुत समय निकल गया, कई साल हो गए, अब बस समय पूरा हो जाए, जल्दी निपट जाए तो अच्छा है, तकलीफ पड़ रही है, जल्दी फ्री हो जाए तो फिर देवगति में थोड़ा सा आराम हो जाएगा। तो आचार्य कहते हैं कि नहीं, ये भी एक दोष है, इसलिए इसको भी छोड़ना। भय, फिर डर लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने जो कर्म बांधे इस जीवन में वो कटे ना हो, और मुझे आगामी काल में वो मृदुमती मुनि के समान, जिन्होंने लोगों को नहीं बताया था ना कि मैं वो साधु नहीं हूँ जिनको तुम चौमासे के उपवासी समझ रहे हो, मेरा सम्मान आप उस उन उनके समान कर रहे हो, मैं वो नहीं हूँ, उनने नहीं बताया था। तो फिर किसी के मन में ऐसा भी आ जाता है कि मैंने बताया नहीं है कुछ चीज़ें, मेरी बता देना अगर ज्यादा विकल्प हो रहा है, बता देना, अगर शक्ति नहीं है तो लिख करके दे देना, या फिर संकेत करके प्रायश्चित मांग लेना, मन को खाली कर दो, हल्का कर देना, भय छोड़ देना, क्या पता क्या होता है। अनजान वस्तु का ही तो भय होता है, कभी कभी परिचित वस्तु दोबारा ना आ जाए जिससे मुझे तकलीफ हुई थी, उसका भी भय होता है। तो उस भय को छोड़ना, और भय को छोड़ने के लिए तप करना आवश्यक है। जिन्होंने बहुत बार तप किया है उनका भय समाप्त हो जाता है। बहुत भीरु प्रकृति के लोग भी तप कर करके निर्भीक होने लग जाते हैं। फिर मित्र स्मृति, मित्रों का भी स्मरण होता है संलेखना के समय। मरण जब निकट आता है तो
पूरे जीवन की एक वो चलती है, फ्लैशबैक, पूर्व स्मृति बोलते हैं ना, मित्र स्मृति, तो वो सब चीजें याद आती हैं। वो भी एक अतिचार है, कौन मित्र कौन शत्रु है। राग करते हो तो मित्र लगता है, द्वेष करते हो तो शत्रु लगता है। वो वस्तु अपने आप में ना मित्र है ना शत्रु है, सब चेतन है। कोई इस जन्म का मित्र है, कोई उस जन्म का मित्र है, कोई इस जन्म का शत्रु है, कोई उस जन्म का शत्रु है, कोई परमानेंट नहीं है। सिद्धालय में सब एक सिद्ध बन करके सब एक साथ मिलेंगे वहां पर, तो क्या किससे दुश्मनी किससे दोस्ती। अपने सच्चे मित्र तो धर्म ही है, सच्चा मित्र तो अपना धर्म ही है, बाकी सब तो साथ छोड़ने वाले हैं या साथ छूटने वाला है उनका। और अंत में निदान नाम का एक अतिचार है। निदान का अर्थ होता है कि इतना सब मैंने तप किया, इतना धर्म किया है, इसका फल मुझे बहुत अच्छा मिलेगा, और मैं जैसा चाहता हूं वैसा मिल जाए तो बड़ा आनंद आ जाए। तो वो सांसारिक सुखों की कामना आ जाती है मन में, वो भी एक दोष है। तो ऐसे पांच संलेखना संबंधी अतिचार जिनेन्द्र भगवंतों ने समादिष्टा बतलाए हैं, प्रतिपादित किए हैं। अब बात ऐसी है कि अगर अतिचार रहित संलेखना कर ले कोई, यानी पांच में से एक भी अतिचार अगर संलेखना में न लगे, तो क्या परिणाम निकलता है, उसका विवरण आगामी सत्र में आएगा। जैनम जयतु शासनम।